तो दास्ताने सफर के इस सफर में अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे अटल टनल के पास। जब मैं होगा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वादियां ही वादियां हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है। लगभग 10,000 फीट के ऊंचाई के आसपास पहुंच चुके हैं और अभी और ऊपर चढ़ रहे हैं। आगे जाके यही रोड हमें अटल टनल की ओर अग्रसर करेगा। तो फ्रेंड्स, और ये रोड सारा बनाया हुआ है बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आर्मी का ही एक यूनिट है। और ये लोग कठिन से कठिन परिस्थिति में भी काम करते हैं और रोड बनाते हैं। अभी वन ऑफ द छोटा सा टनल हम लोग पास करने वाले हैं। ये स्नो प्रोटेक्शन टनल है। जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो ये जगह जरूर से अटकता है। इसके लिए इधर अब एक टनल बना दिया गया है बीआरओ के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं रोहतांग वैली की तरफ अटल टनल होते हुए, और ये अभी हम 10,000 से 12,000 की हाइट पे है। गाड़ी चल रही है, मौसम बहुत सुहाना हो चुका है, धूप भी है, हवा एकदम सर्द है और सामने पहाड़ों में बर्फ है। तो ये जगह जन्नत से कम नहीं है। तो मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस, ये बहुत ही अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस है, और मैं हर भारतवासी को, हर नागरिक को, जो भी हमारे देश के नागरिक है, उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो एक बार इस जगह पे अपने लाइफ टाइम में एक बार जरूर आए, क्योंकि ये वैली स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। ज्यादा ही होगा शायद। हाँ, ज्यादा ही होगा, कम नहीं है। तो हमारे भारत वर्ष में भी इतने खूबसूरत और हसीन जगह है घूमने के लिए, तो यहाँ पे जरूर आए। रोहतांग पास के पास बहुत ही खूबसूरत उमदा जगह है। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, अभी हम अटल टनल की ओर जा रहे हैं। यहाँ बाइक से भी राइडिंग कर रहे हैं लोग, बाइकर्स ग्रुप भी जा रहे हैं, एक साथ ग्रुप में 5-6 बाइक लेके जा रहे हैं। ये देखिए, सामने देख सकते हैं आप, और अभी पीछे भी काफी, अभी क्रॉस करेंगे। बहुत ही अच्छा व्यू है ये राइडर्स लोग के लिए, लेकिन सेफ्टी आपको प्रिकॉशन मेजर करके आना है। यहाँ पे हेलमेट, जैकेट, शूज, सभी चीजों के साथ आना, सेफ्टी मस्ट है यहाँ पे। अगर आप आए तो सेफ्टी के साथ आए यहाँ। हम लोग आ गए हैं अटल टनल के काफी। तो दोस्तों, थाम के बैठ जाइए, अब हम जा रहे हैं अटल टनल के पास। बहुत ही ज्यादा ठंड है बाहर, हवाएं एकदम सर्द है। बस कुछ ही दूर पे है अटल टनल, हम बस पहुंचने वाले हैं। वो तो बोलिए, आज किस्मत हमारी बहुत अच्छी है, मौसम बहुत साफ है, तो हमें जाने का मौका मिल रहा है। नहीं तो अगर मौसम खराब होने की वजह से टनल को बंद कर दिया जाता है और आप आगे जा नहीं सकते हैं। लेकिन आज मौसम बहुत ही सुहाना है, खुला हुआ, एकदम साफ मौसम है। तो देखिए, हम जाते हैं अभी अटल टनल के पास और देखते हैं हमें वहां से आगे जाने मिलता है या नहीं मिलता है। वहां जाने के बाद अभी सब कोई पीक ही होगा। यहाँ से कुछ ही दूर पे है अटल टनल भाई साहब, वो सब पॉइंट तो हमको लगता है करना पड़ेगा। सल्यूट 5,000-6,000 सही में सोच रहा भाई, सियाचिन वियाचिन में लोग कैसे काम करते हो मेरे भाई। सही
पहुंच चुके हैं अटल टनल रोहतांग। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आ चुके हैं अटल टनल रोहतांग। आज ये खुला हुआ है मौसम साफ होने की वजह से, और हम जा रहे हैं, अभी एंट्री ले रहे हैं अटल टनल की ओर। बहुत ही खूबसूरत पहाड़, वैली, नदियां, पेड़ से घिरा हुआ, बहुत ही उम्दा। 40 से ऊपर सही में मतलब जाए थे ट्रैक करते, यूट्यूब का वीडियो में देखे थे। धीरे धीरे चलना 40 पे ही। हाँ, दोस्तों अभी हम अटल टनल के अंदर हैं, उसे क्रॉस कर रहे हैं, और ये टनल अभी हाल ही में खुला है लोगों के लिए, और यहाँ पे आप गाड़ी रोक नहीं सकते, पार्क नहीं कर सकते टनल के अंदर। नो ओवरटेकिंग है यहाँ पे, स्पीड लिमिट 40-60 के बीच ही आप जा सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। ये प्रोजेक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है भारतवर्ष के लिए, जो कई साल पहले शुरू हुआ था, और अब जाके ये 2019 के लास्ट में ये कंप्लीट हुआ है, और 2020 में इसे खोल दिया गया है आम लोगों के लिए। इस टनल को क्रॉस करके आप रोहतांग वैली की तरफ जा सकते हैं। वैसे अगर मौसम खराब होती है तो इस टनल को बंद कर दिया जाता है, टूरिस्ट को यहाँ से वापस भेज दिया जाता है, लेकिन मौसम अगर साफ है, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, मौसम बिल्कुल ही साफ है, तो उस वजह से हमें लकली इस टनल से क्रॉस होने का मौका मिल रहा है। ये बोलिए कि बहुत अच्छी बात है कि हमारी किस्मत अच्छी है, आज हम इसे घूम ले रहे हैं, नहीं तो बंद होने की वजह से हम शायद घूम नहीं पाते और आप लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचा पाते। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल दास्तान सफर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। टनल के उस पार मौसम बिल्कुल बदल जाता है, काफी बर्फ गिरती है उस तरफ, और आपको काफी सुंदर लेक्स और व्यूज मिल जाएंगे वहां पे। तो हम ये जरूर रिकमेंड करेंगे कि आप इस रोड को क्रॉस करके उस तरफ जरूर जाए। अटल टनल के बारे में कुछ रोचक बातें आपको मैं बता दूं। इसकी शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1999 में रखी थी, और काफी मशक्कत के बाद 2010 से इसका फुल फ्लेज्ड काम शुरू हो पाया। हाँ, 2008 में सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था, और 2019 में जाके अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। 2020 में उद्घाटन, 2020 पे माफ कीजिएगा। क्रॉस कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं इधर इस तरफ आते ही मौसम में पूरा परिवर्तन है। टेम्परेचर लगभग 5-6 डिग्री के आसपास सेल्सियस, और अब बस यहाँ से आप जहाँ भी देख लो वहाँ आपको बर्फ ही दिखेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सामने पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है, हम अटल टनल को क्रॉस कर चुके हैं, और अभी हम बढ़ रहे हैं सिसु लेक की तरफ, जो बहुत ही खूबसूरत झील है, एक छोटा सा सिसु लेक, वहां पे हम जा रहे हैं। तो ये रास्ते में आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। क्या करना है, वीडियो कॉल करके दिखाते। चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ पहाड़, कोई नहीं अपन लोग बहुत ही खूबसूरत है भाई, ऑसम प्लेस है यार, सही में अल्टीमेट। यहाँ रुक भाई, एक बार रुक भाई, कहीं रुकने का जगह नहीं है, कोई जगह रुकते हैं ना भाई। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ मेरे साथ जो दो लोग चल रहे हैं, वो रुकने के नाम पे गाड़ी रोक ही नहीं रहे हैं, बस इन्हें जाना है आगे। ठीक है, हम आगे भी चलते हैं, पर फिलहाल ये नजारा आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत नजारा है, ये आंखें हट नहीं रही है यहाँ से, देख रहा हूँ तो बस लग रहा है देखता ही रहूं। रुक पक्का? हाँ पक्का।
बहुत तो मेरे को रहा भाई जी है क्या तेरा अच्छी बात है दुख काफी तीखा है लगती मेरे को। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे अटल टनल के पास। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वादियाँ ही वादियाँ हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है, जिधर देखेंगे आप आपको बर्फ ही दिखाई देगी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। तो दास्ताने सफर के इस सफर में हम अभी आ चुके हैं यहाँ पे। चारों साइड आप देखेंगे कि बर्फ ही बर्फ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ ये जगह। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, ऑसम प्लेस टू विजिट। मैं चाहूँगा कि सभी देशवासी, भारत के देशवासी एक बार यहाँ पे जरूर आएं, इस जगह पे आएं और यहाँ पे वादियों का, नज़ारों का आनंद लें।